हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहा है HTML। तो HTML एक लंबा कोर्स होगा, लोग देखते रहिए और एक एक करके मैं कोर्स का डिटेल्स दे रहा हूँ। आज सीखूंगा HTML का, चलिए शुरू करता हूँ। HTML का इंट्रोडक्शन आज सीखूंगा हम लोग। HTML क्या है, कैसे है, क्या क्या सीखूंगा देख लेते हैं। हम लोग क्या सीखेंगे, टू मेक द पार्टिसिपेंट अंडरस्टैंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ HTML। HTML का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आज हम लोग ये सीखेंगे, ठीक है। तो क्या क्या सीखेंगे, एट द एंड ऑफ द सेशन द पार्टिसिपेंट विल बी एबल टू टेल। क्या क्या सीखेंगे, व्हाट इज HTML, व्हाई वी लर्न HTML एंड ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ HTML। HTML क्या है, HTML हम क्यों सीखेंगे, हम लोग क्यों सीखेंगे, और उसका ब्रीफ हिस्टोरी, कैसे HTML आया, क्या ये सब के बारे में। चलिए सब स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज HTML, चलिए HTML क्या है। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट, H फॉर हाइपर, T फॉर टेक्स्ट, M फॉर मार्कअप और L फॉर लैंग्वेज। इट इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे C++ इस टाइप का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका काम क्या होता है, यूज फॉर क्रिएटिंग स्टैटिक वेब पेज। ये वेब पेज क्रिएट करने में, वेबसाइट का जो पेज आता है, आप लोग जैसे वेबसाइट ब्राउज करते हैं, कोई सर्च किया वेबसाइट मिला, वेबसाइट का जो पेज आता है वो HTML में बनता है। तो उस HTML को वो आप लोग अगर HTML सीखेंगे तो आप उसको वेब पेज बना पाएंगे। मैं सिखाऊंगा धीरे धीरे कैसे आप एक वेब पेज बना सकते हैं। तो एक आप वेब पेज बना पाएंगे और वेब एप्लीकेशन अलोंग विथ CSS एंड JavaScript। CSS JavaScript भी एक HTML की तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें आप वेब एप्लीकेशन को या वेब एप्लीकेशन या वेब पेज को और भी अच्छा बना सकते हैं, और भी देखने में और भी वो अच्छा काम करेगा ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट में, ठीक है। तो फिर हम लोग, तो वो HTML क्या हुआ, HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और HTML हम लोग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम लोग वेब पेज बना सकते हैं या वेबसाइट बना सकते हैं। अगर हम लोग सही से सीख पाएंगे तो वेबसाइट कैसे बनता है हम लोग सीख पाएंगे, ठीक है। और ये जो वेब पेज है, वेब पेज में आपका ईच वेब पेज कॉन्सिस्ट ऑफ, सभी वेब पेज किस में होता है, राइटिंग लिखा रहता है, कुछ टेक्स्ट रहता है, मल्टीमीडिया फाइल रहता है, जैसे वो ऑडियो वीडियो या कुछ फ़ोटो वगैरह या कुछ टेक्स्ट इसमें लिखा हुआ रहता है वेब पेज में। चलिए हम लोग व्हाई वी लर्न HTML, हम लोग HTML क्यों सीखेंगे, क्या ज़रूरत है HTML सीखने का। पहले तो एक नंबर आता है क्रिएटिंग वेबसाइट। हम लोग वेबसाइट को बनाने में और बढ़िया से बढ़िया वेबसाइट को डिज़ाइन करने में, वेबसाइट को बनाने में हम लोग HTML सीखेंगे, और अच्छे से अच्छे नॉलेज आ जाएगा। आप अगर बेटर अंडरस्टैंडिंग दी वेबसाइट के बारे में, आपको अच्छा से अच्छा नॉलेज आएगा। आप कैसे, आप वेबसाइट और सर्च नहीं करेंगे, आप वेबसाइट बनाने में आ जाएंगे, कैसे वेबसाइट बनता है, कैसे ये सब बारे में। और एक होता है अर्न मनी, मनी भी आप यहाँ से पैसा भी कमा सकते हैं। कैसे पैसा कमा सकते हैं, आप अगर अच्छा HTML सीख गया, HTML के बारे में नॉलेज हो गया, और आप बढ़िया बढ़िया वेब पेज बना रहे हैं या वेबसाइट बना रहे हैं, तो आप दूसरे का भी वेबसाइट क्रिएट कर सकता है कि कुछ किसी कंपनी का वगैरह व किसी का भी, किसी दोस्त का वगैरह का आप लिया कि मैं तेरा वेबसाइट बना दूंगा, इतना पैसा दिया, तो आप वेबसाइट बना सकते हैं अच्छे से अच्छी डिज़ाइन देके। तो चलिए अच्छे से अच्छे करके सीखना आप लोग मन लगा के, हम जितना भी कोशिश होगा मेरा, मैं सिखाने का कोशिश करूँगा HTML कैसे होता है क्या नहीं। आज इंट्रोडक्शन क्लास है, आप लोग देखिए। चलिए आ जाता हूँ ब्रीफ हिस्टोरी ऑफ HTML। HTML कैसे आया, क्या हुआ नहीं हुआ, इसके बारे में। HTML was invented by Sir Tim Berners-Lee in 1991 पे टीम बर्नर्स-ली ने ये HTML पहले आविष्कार किया था, इन्वेंटेड किया था। ऑफिशियली पब्लिश्ड इन 1995 एज HTML2।
HTML 2 बोल के ऑफिशियली पब्लिश हुआ था 1995 में। उसके बाद देर आर मैनी वर्सन ऑफ HTML, HTML का बहुत सारा वर्सन है, जैसे HTML 1 है, HTML 1 इज इन्वेंटेड इन 1991 फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन विच कैन बी रीडेबल एंड एक्सेसिबल वाया वेब ब्राउजर। HTML 1 आया था 1991 पे, जो वेबसाइट बनाने में, वेबसाइट में जो आप कुछ शेयर करते हैं टेक्स्ट वगैरह पढ़ने में HTML का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अगर HTML नहीं होता होगा तो हम लोग किसी की तरह भी कुछ भी देख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो HTML बहुत ही प्राइमरी चीज़ है वेब पेज के बारे में। तो आप लोग कोशिश करें HTML के सीखने के। और HTML 2 आया 1995 में, उसके बाद इम्प्रूव होने लगा HTML 1, HTML 2, HTML 1 में कुछ कमियां रही तो HTML 2 पे और ठीक हुआ, फिर HTML 3 पे और ठीक हुआ, फिर उसको इम्प्रूव करते करते HTML 4.0.1 या HTML 5 बोल के नया लॉन्च हुआ 2012 में। तो आप याद रखना HTML कौन बनाया था, सर टीम बार्नसली, इतना ही। उसके तो और भी बहुत कुछ हिस्ट्री है, आप पढ़ना चाहते हैं नेट पे विकिपीडिया पर पढ़ सकते हैं, HTML ब्रीफ हिस्टोरी बोल के भी या HTML बोल के विकिपीडिया में सर्च करके उसकी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, बहुत सारा कुछ लिखा है। लेकिन मैं उतना डीप में नहीं जाऊँगा, इसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दूँगा। हम लोग कोडिंग सीखेंगे कैसे करता है HTML, कैसे क्या बनाता है, ये सब के बारे में। चलिए फिर अब दूसरा जाता हूँ, ये सब है HTML, सर टीम बार्नसली ने बनाया था, ये हो गया हिस्ट्री में। अगर आप लोगों का कुछ इंट्रोडक्शन में कुछ क्वेश्चन वगैरह है, क्लियरिफिकेशन कि क्या है क्या नहीं, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट से, कमेंट बॉक्स में। मैं कोशिश करूँगा और अच्छे से समझाने के लिए आप लोगों को, और HTML के बारे में नेक्स्ट वीडियो आते रहेगा, आप लोग देखते रहिए और HTML अच्छी तरह सीखने का कोशिश कीजिए। मैं एफर्ट करूँगा बहुत अच्छे से अच्छा सिखाने के लिए। थैंक यू।